ये रही बिरयानी, ये सिल्वर और राहू फिश, और ये सलाद, तंदूरी रोटी, ये चिकन सिक कबाब, और ये मछली, और ये बीफ चबली कबाब, और ये फ्रेंच फ्राइज। लेजी गाइस पहुंच गए 113 मरकज। अब हम जाएंगे सीधे लाहौरी चस्का टिक्का हाउस। ये 113 का ना सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ हर वैरायटी का खाना मिलता है, तो आज हम यहीं पे खाना खाएंगे। लाहौरी चस्का रेस्टोरेंट में पहुँचे हैं और हम इनकी बाहर की सीटिंग में बैठे हैं, और ये सीटिंग इनकी बहुत ही कमाल की है। अंदर भी जगह है लेकिन सबसे खूबसूरत ये बाहर का एरिया है। तो गाइस अभी मेनू आएगा, मेनू में खाना हम सेलेक्ट करेंगे। ये आप पसंद करें कि कौन कौन सी आइटम आपने पसंद करनी है, ठीक है, फिर वो हम आपको सर्व कर देंगे। सही, तो ये देखें गाइस लाहौरी चस्का का इतना बड़ा मेनू, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनके पास कितनी वैरायटी के खाने हैं। ये देखो जुमला, क्या कहा था डॉक्टर ने, मिल्क शेक। इसमें आप करें एक प्लेट चिकन सीख कबाब, ठीक हो गया, ठीक है, और एक एक बिरयानी कर दें, सिंधी बिरयानी स्पेशल होगी, हाँ सिंधी बिरयानी कर दें, ठीक हो गया। और फिश में एक आप करें राहू फिश आधा किलो, ठीक है, सिल्वर फिश आधा किलो, आधा किलो, ठीक हो गया। और कौन सी स्पेशल है आपके पास? स्पेशल तो हमारी ये आइटम सजी भी है, बटेर भी है, ठीक है, ये नली कुआ भी है। बस फिलहाल ये चीजें आप कर देना, बाद में देखते जो चीज और पसंद आई है तो जरूर बता देना, फिर हम सर्व कर देंगे, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा ये? ठीक है, तकरीबन 25 मिनट लगेंगे। चलो ठीक है, तो गाइस हमारा ऑर्डर तैयार हो रहा है, मैं चलता हूँ, एक नज़र आपको दिखाता हूँ कि जो चीज़ हमने ऑर्डर की है वो ये बनाते कैसे। ये रहा सिल्वर फिश, अब ये जाएगा तेल में। ये हमारी चिकन बिरयानी है, सारा ये राइस और ये चिकन बिरयानी, ये चिकन सीख कबाब, ये बीफ चपली कबाब, उधर ही रख दे। तो ले जी गाइस खाना हमारा टेबल पे आ चुका है, मुख्तलिफ वैरायटी का खाना हमने ऑर्डर किया था। सबसे पहले ये रही बिरयानी, ये सिल्वर और राहू फिश, और ये सलाद, तंदूरी रोटी, ये चिकन सिक कबाब, और ये मछली, और ये बीफ चबली कबाब, और ये फ्रेंच फ्राइज। सबसे पहले ट्राई करते हैं राहू फिश, क्या बात है गाइस, इतना क्रिस्पी लग रहा है ना ये, वाह। इस मछली के अंदर ना कांटा नहीं है, बहुत मज़ेदार। तो गाइस अभी ट्राई करते हैं चिकन टिक्का कबाब, कलर में ही अमेजिंग है, वाह, स्पाइसी है, अंदर से सॉफ्ट है, अमेजिंग। गाइस इस बंदे को पता नहीं कैसे पता चलता है, ये दूर से सूंघ के नहीं, सबर करे कैसे हैं। गाइस सारे खाना है लेकिन मैं फ्रेंच फ्राइज खा रहा हूँ। अजान खा रहा है चिकन बिरयानी, कैसी है चिकन बिरयानी? नदीम भाई को भी हमने इनवाइट किया है स्पेशल खाने में,
तो फिलहाल मैं ये फिश ही खा रहा है क्योंकि फिश के अलावा इनको कोई चीज मजे की नहीं लगती। खाने के बाद करने का फिलहाल टाइम नहीं है, सफर कर। गाइस बिरयानी हमारे बच्चों को इतनी पसंद आई कि हमें दूसरी प्लेट भी मंगानी पड़ी और नदीम भाई तो लगा हुआ है नॉनस्टॉप, ये सब कुछ ख़त्म करके ही दम लेगा, इनका इरादा मुझे ऐसा ही लगता है। 5 डिशेस हमने ऑर्डर की थी, चिकन बिरयानी, सिल्वर राहू फिश, कबाब और चिकन सीख कबाब और फ्रेंच फ्राइज, सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, इतनी टेस्टी थी, कोई चीज़ बची नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें सब की सब ख़त्म हो गई, कोई चीज़ नहीं बची। मुझे पर्सनली जो चीज़ मज़े की लगी ना, यहाँ का सिल्वर फिश और चिकन बिरयानी, क्या बात है। अंजुम आपको कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी? फ्रेंच फ्राइज और चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी। यमुना से पूछते हैं, यमुना आपको कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी? चिकन बिरयानी और फ्रेंच फ्राइज। ये देखें ना, चिकन बिरयानी इनकी इतनी मज़े की है कि हम सब की फेवरेट बन गई। अगर आप 113 मरकज़ के आसपास हैं, मज़ेदार खाना खाना चाहते हैं तो लाहौरी चस्का एक बेस्ट ऑप्शन है। अब इनके लॉन में खाइए, बैठिए, माहौल भी अच्छा है और खाने भी बहुत ही मज़ेदार। सबसे आखिर में लाहौरी चस्का का मटका चाय, क्या बात है। लाहौरी चस्का का खाना तो है ही मज़ेदार, लेकिन मनोवर साहब की सर्विस भी अमेजिंग लगी। हर चीज़ उन्होंने टाइम पर दी, गरम गरम खाना हमें मिला टेबल पे, इस वजह से बहुत एंजॉय किया। मनवर भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। गाइस लाहौरी चस्का का फास्ट फूड पोर्शन भी आपको दिखाते हैं और देखते हैं इनके पास क्या वैरायटी है। अस्सलाम वालेकुम, ये फास्ट फूड में क्या रखते हैं आप? हमारा चाट वगैरह है, बर्गर वगैरह है, फ्राइज है, उसके अलावा रोल पराठा है, शर्मा है, लस्सी वगैरह है। हमारे पास ड्राई फ्रूट की वैरायटी है जो हम क्रीम फ्रूट चाट में इस्तेमाल करते हैं, ये आप देख सकते हैं, सामने नज़र भी आ रही है, जैसे कि ये अच्छी वाली खजूर हो गई। वाह क्या बात है, ये आप चेक कर, तो बड़ी अमेजिंग लग रही है। यस, ये क्या है? ये चॉकलेट दाना, इसको चॉकलेट दाना कहते हैं। ये कैसे बनाते हैं? ये चॉकलेट से बनती है जी। अच्छा, बाकी ये मुरब्बे हैं, ये खोपरा है, ये बादाम है, ये मेवे हैं। गाइस देखिए इनके पास फ्रूट चाट, दही भल्ले, चना चाट, हर वैरायटी मौजूद है, गोल गप्पे सब। फ्रूट चाट थोड़ी सी ट्राई करते हैं इनकी, और फ्रेश बनाते हैं आप? जी बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश, इसमें कोई वो नहीं, बनी हुई नहीं रखते हम, सिर्फ सेब और अमरूद हमने काट के रखे होते हैं, और उसके अलावा हम जो केला काटते हैं, फिर उसके बाद उसको बिल्कुल एक प्रॉपरली फ्रेश तरीके से तैयार करते हैं। ये आप देखिएगा, ये किसका है? ये आपको हम चेक करवाते हैं। उसके बाद ये हमारी बहुत स्पेशल चटनी, ये चाट, फ्रूट चाट वाली, फ्रूट चाट की, ये हमारी बहुत स्पेशल चटनी है। वाह, ऊपर से ये क्रीम, क्रीम, फिर उसके बाद मेवे, मेवा जात इसमें ऐड करते हैं, ये मेवा हो गया, ये बादाम है, ये मुरब्बे, क्या नाम है, ये खजूर है। अच्छा, खजूर वो निकाल के, जी ये गिटक निकाल के, और उसके बाद ये चॉकलेट है, उसके बाद ये कोपरा है। वाह, ये आप देखें जी, इतनी जबरदस्त फ्रूट चाट तैयार हुई है। वाह क्या बात है गाइस, फ्रूट चाट की, और
खाने का है पहली दफा, बड़ा अच्छा लगा। शुक्र है आपकी जो फ्रूट चाट है ना, क्या बात है। मजे का खाना खाने के बाद अब हम निकले हैं यहाँ से घर पैदल, और इतना अच्छा खाना खाने के बाद ना यही ऑप्शन है कि हमारे पास पैदल वॉक करें यहाँ से घर तक, ताकि जो खाया पिया है वो हजम हो। और रात की भी हमारी एक एक्टिविटी है, वो 10:30 के बाद है। ये 11 सेक्टर है ना, बड़ा साफ सुथरा सेक्टर है, ऐसे खूबसूरत खूबसूरत घर है यहाँ पे। ये देखें इस तरफ भी, नहीं एंड नहीं करते हैं, घर जाके एंड करेंगे। यमुना आज की ट्रिप कैसी रही, मजे की रही ना? घर है होटल है? पहले एक बात बोलो, घर है होटल तो बस घर है ना, रूम में रहते हैं तो वो हमारा घर है। क्या ख्याल है, है? नहीं आया। क्या रूम घर होता है? बस रूम घर ही होता है ना हमारा, समझ नहीं आया।